उसकी माँ थारी कथा सुनाऊ मैं तो ध्यान लगा सती माँ थारी कथा सुनाऊ मैं तो ध्यान लगा ए मारी मायड़ महारानी सती माँ मारी मायड़ महारानी सती में जन्म लियो माँ खंगारोत कुल रे माँ उदे कंवरी थारो नाम धरायो खुशी आंगन माँ सिंह जी पिता कही जे थारा मारी माँ ये तो कान सिंह जी पिता कही जे थारा मारी माँ मारी मायड़ महारानी सती माँ मायड़ महारानी सती माँ जयपुर जठे माता जी रो जन्म होयो सती माता रो जन्म होयो खंगारोत कुल में कान सिंह जी रहते कन्या रो जन्म होयो बड़ी खुशी हुई आंगणे में और जोशी जी ने बुलाया और देखो पुरानी टाइम रे महीने जोशी लोग जद टीप जो भी टीप नो देखता जन्म कुंडली देखता तो माने भविष्य रो ध्यान पड़ जातो के आगे एड़ो एड़ो काम होवेला बाबारी पढ़ाई ही वे तो कान सिंह जी जोशी जी ने बुलाया और जोशी जी घर आया तो बोले जोशी के वे सुन लो ठाकरा बात बड़ी सुखदा अमर नाम हो वे बाई रो इकल जुग रे चावो हो सी चार घूट में उदे कमर रोना ओ तो चावो हो सी चार घूट में उदे कमर रोना मारी मायड़ महारानी सती माँ मारी मायड़ महारानी सती माँ सुनो ठाकरा बात बड़ी सुखदाई
और अमर नाम होवे बाई रोई कलजुगरे। माही के वो तो चावो होसी चार खूंट में उदय कंवर रो नाम। धीरे धीरे समय बीत्यो, धीरे धीरे भाई साहब बड़ा हुआ, सती माता बड़ा हुआ। जब ब्याह ब्याह करने की उम्र आई उन समय चुई गावीरा। जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। चुई गावीरा रघुनाथ सिंह जी मेड़ दिया राठो। मारी मायड़ महारानी सती माँ, मायड़ महारानी सती समय बीत रहे रे साथ में के चुई गांवरा रघुनाथ सिंह जी मेड़तिया राठौड़ बारे सागे उदय कंवर सो उदय कंवर सारो ब्याह हुयो। बड़ी धूमधाम सु आप रे पीहर सु विदा हो और माता जी आप चुई गांव में पधारिया। धन्यवाद। एक हाथ ही लियो ने अगला बार बार नहीं हटो पड़े हो बाड़ो लगे घेरो। देखो ये भी भाव होता है साहब, और भाव की महिमा है बाप जी। भक्ति में अगर भाव है तो बहु से बेड़ा, भक्ति में अगर भाव है तो बहु से बेड़ा पार है, और भक्ति में अगर भाव नहीं है तो की हुई सारी भक्ति बेकार है। बोले समय बीतने के साथ में जब ब्याह कर रघुनाथ सिंह जी गांव पधारिया तो बड़ी धूमधाम सो लाडा कोडा सो नई बीनड़ी रो स्वागत होयो। बड़ी खुशियां थी मेड़तिया राठौड़ परिवार में। थोड़ो सो समय बीतने रे बाद एक दिन अचानक सो के विधिरा विधान एड़ा लिखियोड़ा और रघुनाथ सिंह जी स्वर्ग सिधार गया। तो लिखियो रघुनाथ सिंह जी स्वर्ग सीधा गया दुखड़ो आंगन मां। आंख में आंसू नहीं रुके जी, अरे काल जियो कंपा। अब सती हो मूला अपने पति के सागे बोली मां। अब सती हो मूला अपना पति के सागे बोली मां, मारी मायड़ महारानी सती मां, मायड़ महारानी सती मां। रघुनाथ सिंह जी स्वर्ग सिधारिया तो पतिरा वियोग में उदय कंवर जी आपरा परिवार वालों ने किया कि मैं मारा पति रे बिना इस दुनिया में नहीं रह सकूं, और विदाता ने क्यों ने लगा अरे विदाता मैं एड़ो थारो काई खोटो करियो,
मैं एड़ो कई पाप करियो मारो पति मासो छीन लियो। सती माता जद रोने लगा पर आपरा पति रे साथे जद सती होने वास्ते रवाना होया तो इतिहास कहता है साहब जद सती माता उन चितारे माते बैठ आपरा पतिरी जो लाश थी उनने आपरी गोदी में रख और तमाम परिवार लोगों ने कहो कि कोई भी मारी चितारे आग दे उन्हें आप नहीं आओला, मैं मारा पतिरे लारे सती हो रही हूं। तो साख किरी भराई के सूर्य भगवान की साख भराई के हे सूर्य देव अगर मारा पति री सेवा में कोई भी तरह की कमी रही है, अगर मारा पति री सेवा में भक्ति में कोई कमी रही है तो आज आग मत दीजो, और अगर मारा पति री सेवा में मारी तरफ कोई कमी नहीं रही, अगर मैं मारा पतिव्रता नियम ने बड़ा स्वाभिमान सो निभायो हूं तो आज आपरी साख मने भगानी है और आप ई चिता ने आग लगाओला। इतिहास गवाह है साहब सूर्य देव ने उस चिता को अग्नि प्रदान की और सती माता इस लोक से उस वैकुंठ लोक में पधारे। बोलो सती मात की, जोर से बोले थोड़ा सा, बोलो सती मात की, बोले बेटी चिता पे उदय कमर जी साथ के सूरज री भला अग्नि दीनी सती हुई मारी माँ अरे चुई रे गाँव ने दियो रे आशीष सवायो मारी माँ अरे चुई रे गाँव ने दियो आशीष सवायो मारी माँ मारी मायड़ महारानी सती माँ मारी मायड़ महारानी सती सौ पचास में दसवीं बैसाखरी सती होया मारी माँ नवमी वो थारे जमो जगावा दसवीं रो भोग लगा अरे नवमी रो थारे रात जगावा दसवीं रो भोग लगा छत्तीस गोम पर कृपा राखे मारी मोटी माँ छत्तीस गोम पर कृपा राखे मारी मोटी माँ हरी मायड़ महारानी सती माँ हरी मायड़ महारानी सती माँ साग सुदी दसमरे दिन माताजी आपरा पति रे लारे सती हो गया और इस पूरी दुनिया में एक ये संदेश है साहब कि औरत के लिए अपने पति से बढ़कर के सेवा कुछ भी नहीं होती साहब। सती अनुसुईया का नाम भी संसार में अमर है तो सती उदय कंवर माता का नाम भी इस दुनिया में अमर है जो अपने पति के पीछे सती हो गई, ऐसी भक्ति होती है साहब।
क्योंकि पति परमेश्वर, जो नारी अपने पति को परमेश्वर मान लेती है उसको कहते हैं कि परमेश्वर खुद आकर के नमस्कार करता है। साहब सती अनुसार घरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बालपणारो बाल बालक बनपरार उन जगह रमाते 6 महीना तक रहा। ऐसे पति की सेवा में इतनी ताकत है साहब। और जो औरत एक बार अपने जीवन में ये कह दे ना कि मैं तो थारे लारे आए मारा भाग फूट गया, उस दिन उस औरत के सारे सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं साहब। पतिव्रता नारी की पहचान क्या होती है कि जब पति के ऊपर कोई संकट आता है और वो कंधे से कंधा मिलाकर के अगर खड़ी हो जाए उसका नाम पतिव्रता होता है साहब। क्योंकि औरत के लिए पति से बड़ी सेवा कुछ भी नहीं है। और आज इस पतिव्रता नियम को निभाते हुए सती माँ ने इस चुई गांव को यह वरदान दिया है, यह आशीर्वाद दिया है कि यहां पे कभी अकाल नहीं पड़ेगा। ये बात सही है तो एक बार सच्चे मन से जयघोष करेंगे दोनों हाथों को उठा करके, बोलो सती माते की। और इसीलिए चुई गांव मेरा भाग्य बड़ा है सती माता रोधा, मेड़ पियारा थोड़ी माता जी थारी महिमा गवा, अनिल सेन पर कृपा की जो थारी शरण में आ, अनधन रा भंडारी धरी जो मारी मोटी माँ, अनधन रा भंडारी भरी जो मारी मोटी माँ। एक बार दोनों हाथों को उठा के मैं बस एक ही भजन में ये कहूंगा, पूरी रात भर में मत खड़े करना पीछे वालों, अगर माताजी को माँ मान करके बैठे हो एक बार दोनों हाथों को उठा ले, बल सती मात की। ये मारी मायड़ महारानी मोटी माँ, हरी मायड़ महारानी मारी कथा सुनाई मैं तो जान लगा, ओ सती माँ थारी कथा सुनाई मैं तो जान लगा, ओ सती माँ थारी कथा सुनाई मैं तो जान लगा, जान लगा, जान सच में ऐसा प्रतीत हुआ हो आपको कि सती माता के महिमा को गाकर के मन को आनंद मिला हो, एक बार सच्चे मन से बल सती मात की।